हम खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के हवाले से एक मंशा बम काबू में नहीं आ रहा। ये है नया पाकिस्तान और ये है नए पाकिस्तान की पुलिस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस का मंशा बम केस में आईजी पंजाब और डीसी लाहौर को फौरी पेश होने का हुक्म दिया गया। शर्मानी चाहिए, पुलिस को गालियां भी खाते हैं और बदमाशों की तरह तरफदारी भी करते हैं। चीफ जस्टिस बरहम हुए, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। उमर शाकिर हमारे साथ मौजूद है। उमर, कहिएगा चीफ जस्टिस बरहम दिखाई दिए आज की इस अदालती कार्रवाई में। लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने कब्जा माफिया मंशा बम के खिलाफ आज नोटिस केस की समाप्त की है। अदालत ने आईजी पंजाब डीसी लाहौर को फौरी तौर पर तलब किया है। इसके साथ अदालत ने सेशन जज लाहौर और मुतलका सिविल जज ब्राय ओवरसीज पाकिस्तानी नूर मोहम्मद को चैम्बर में तलब कर लिया है। इसके साथ अदालत ने हुक्म दिया है कि मंशा बम को भी जेल से लाकर सुप्रीम कोर्ट के रूबरू फौरी तौर पर पेश किया जाए। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मुतासरीन ने जमीनों पर कब्जों के खिलाफ वहां कैंप लगा रखे हैं और पुलिस सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है। अदालत ने मुबहिम रिपोर्ट देने पर डीआईजी ऑपरेशन लाहौर वकास पर सख्त बर्मी का इजहार करते हुए मजीद रिमार्क दिए कि समझ नहीं आती कि पुलिस गालियां खाकर भी बदमाशों की पुष्पनाही क्यों कर रही है, क्या ये है नए पाकिस्तान की पुलिस। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, डीआईजी ऑपरेशन से मुखातिब होकर कहा कि आप यहाँ वर्दी में आए हैं लेकिन वर्दी के बगैर वापस जाएंगे, आपको मुअत्तल कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि बदमाशों की पुष्पनाही करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएंगे। अदालत ने मंशा बम को जेल से लाकर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कब्जा माफिया की पुष्पनाही करने पर अदालत ने मलक करामत खोकर को भी अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया है, जबकि मुतासरा शख्स ने अदालत को बताया कि राजी वागुजार करवाने के बावजूद कब्जा नहीं दिया जा रहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने सख्त बर्मी का इजहार करते हुए कहा कि आपसे एक मंशा बम जो है वो काबू नहीं आ रहा, जिस मंशा बम के बारे में कहा जा रहा था कि इसने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, और आज आपने जो रिपोर्ट दी है इस रिपोर्ट में तो सब अच्छे की रिपोर्ट है, इसमें तो मंशा बम के खिलाफ कुछ भी नहीं निकला। आज डीजी एलडीए ने अदालत को बताया कि तमाम तर एराजी जो है वो वागुजार करवा ली गई हैं और प्लाटों की डिमॉन्स्ट्रेशन का मसला है जिस पर जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और मुतासिरीन को उनके प्लॉट उनके हवाले कर दिए जाएंगे। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी करते हुए आईजी पंजाब को और डीसी लाहौर को फौरी तौर पर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है और साथ में डीआईजी ऑपरेशन को ये हुक्म दिया है कि मंशा बम को जेल से लाकर सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश किया जाए। मंशा बम से मुतलिक अजूद नोटिस केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई है। तमाम मुतलका अफराद को अब से कुछ देर बाद। अच्छा, उमर ये बताइएगा कि डीसी और आईजी को आज ही पेश होने का हुक्म दिया है चीफ जस्टिस ने। जी, आईजी पंजाब को फौरी तौर पर अदालत के रूबरू पेश होने का हुक्म दिया है। आज डीआईजी ऑपरेशन अदालत के रूबरू पेश हुए, जिस पर अदालत ने करार दिया कि इस मामले पर एसपी माओ जफर जो है वो तफ्तीश कर रहे थे, वो कहां पर हैं। अदालत को बताया गया कि वो एक्स पाकिस्तान रुखसत पर हैं, जबकि सिविल सोसाइटी के सरबराह ने अदालत को आगाह किया कि मंशा बम मुकदमे में एसपी माउस की जो है वो ट्रांसफर की जा रही है और उनके खिलाफ मुकदमा तैयार किया जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने सख्त बर्मी का इजहार करते हुए रिमार्क दिए कि ये सब मिले हुए हैं, डीसी लाहौर आईजी पंजाब ये तमाम जो है मिले हुए हैं और ये मंशा बम को तहफ्फुज फराहम कर रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान ने आज डीआईजी ऑपरेशन से मुखातिब होकर कहा कि आप यहाँ पर खड़े हैं और सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, आप यहाँ पर आए पुलिस की वर्दी में हैं लेकिन यहाँ से वर्दी के बगैर जाएंगे, हम आपको मुअत्तल कर देंगे, जिस पर डीआईजी ऑपरेशन ने अदालत को आगाह किया कि वो यहाँ महकमे पुलिस में ईमानदारी से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और जितनी भी एराजी मंशा बम के कब्जे में थी वो वागुजार करवा ली गई है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एक आम केस के हवाले से हमें बता रहे थे उमर शाकिर, जिसकी आज समाप्त हुई है। शुक्रिया आपका उमर।